सोच लो कि बहुत ही ज़्यादा लो लाइट सिचुएशन है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा है। कुल मिला के सिचुएशन ऐसी है कि हमें फ्लैश लाइट का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट तो ना के बराबर दिखता है। तो ऐसे टाइम पे हमें DSLR में कौन सा सेटिंग यूज़ करना है, आज हम ये देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा सेटिंग समझ में आए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज धर्मेश। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम एक बेसिक बात को क्लियर करते हैं। तो जब भी हमारा लेंस, ये देखिए यहाँ पे AF मोड पे होगा, तो जब हम शटर बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए ये शटर बटन है, उसको हम प्रेस करेंगे तो वो पहले सब्जेक्ट को फोकस करेगा, उसके बाद फोटो क्लिक होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट जब हम लेंस में MF करते हैं, यानी कि मैनुअल फोकस मोड करते हैं, तो उस टाइम पर जब हम ये शटर बटन को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट फोटो क्लिक हो जाता है, फोकस नहीं होता है। तो फोकस करने के लिए हमें ये यहाँ पर फोकस रिंग है ये एडजस्ट करना होता है, उसके बाद फोटो क्लिक करना होता है। तो अब हम आज के वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो समझ लो कि हमारा लेंस AF मोड पे है। तो मैंने आपको बताया कि AF मोड पे जब हम शटर बटन को प्रेस करते हैं तो पहले वो सब्जेक्ट को फोकस करता है, उसके बाद फोटो क्लिक करता है। तो अब मेन पॉइंट ये है कि सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल अंधेरा है, तो ऐसे टाइम पे कैमरा सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाता है। तो उस टाइम पे हमें कौन सा सेटिंग यूज़ करना है वो देखते हैं। तो अब मैं सिचुएशन को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये वॉच है, ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये हमारा लेंस AF मोड पे है। तो अब हम कैमरे को स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ओके। उसके बाद मैं शटर बटन को हाफ प्रेस करूंगा तो पहले फोकस होगा। तो ये देखिए मैं शटर बटन को हाफ प्रेस करता हूं, तो ये देखिए ये फोकस हो गया। फोकस होता है तो जो स्क्वायर है ये ग्रीन लाइन में हो जाता है। उसके बाद मैं शटर बटन को पूरा प्रेस करूंगा तो ये देखिए फोटो क्लिक हो गया। नाउ नेक्स्ट हम सारे लाइट्स ऑफ कर लेते हैं एंड उसके बाद हम फोटो लेने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट फोकस में आता है कि नहीं आता है। तो ये देखिए सारी लाइट्स अभी ऑफ है। तो अब हम पहले फोकस में लेने की ट्राई करते हैं सब्जेक्ट को। ओके, ये हमारा कैमरा ऑन हो गया। तो आप देख सकते हो कैमरे के डिस्प्ले में अभी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। ये देखिए शटर बटन को मैं हाफ प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये फोकस नहीं हो रहा है। आप कितना भी ट्राई कर लो शटर बटन को हाफ प्रेस करके फिर भी ये फोकस नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे आप सोचोगे कि हम फ्लैश लाइट का यूज़ करके फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, तो चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने फ्लैश लाइट को ऑन किया, ओके। उसके बाद हम फोकस करने की ट्राई करते हैं तो ये देखिए फिर भी ये फोकस में नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कौन सा सेटिंग यूज़ करना है आज हम ये देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मेनू बटन को प्रेस करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो AF मेथड है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और सबसे लास्ट क्विक मोड है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके डन। उसके बाद हम फिर से फ़ोटो लेने की ट्राई करते हैं। तो क्विक मोड में क्या होता है कि जब हम शटर बटन को हाफ प्रेस करते हैं तो हमारा फ्लैश ऑन होता है, तो उस टाइम पे फ्लैश ऑन होने से हमारा सब्जेक्ट फोकस में आ जाता है और उसके बाद हम शटर बटन को पूरा प्रेस करेंगे तो फोटो परफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए पहले मैं शटर बटन को हाफ प्रेस करता हूँ तो ये देखिए फ्लैश ऑन हुआ एंड ऑरेंज लाइट भी ऑन हो गई है एंड हमारा सब्जेक्ट फोकस में है। और उसके बाद मैं शटर बटन को पूरा प्रेस करता हूँ तो ये देखिए फोटो क्लिक हो गया। तो आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट हमारा पूरा फोकस में है। तो ये थी आज की DSLR की ट्रिक। तो आप लो लाइट सिचुएशन यानी कि बिल्कुल अंधेरे में भी आप आराम से फोटो क्लिक कर सकते हो ये सेटिंग को यूज़ करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।